अररिया के शिवपुरी में डॉक्टर लाल पैथ लैब का उद्घाटन हुआ। अररिया के शिवपुरी में मार्केटिंग यार्ड के सामने वाली गली में बंधन बैंक के पास डॉक्टर लाल पैथ लैब का उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता व परशुराम परिषद के अध्यक्ष अजय कुमार झा व डॉक्टर सुदर्शन झा ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता अजय कुमार झा ने कहा कि अररिया जैसे पिछड़े इलाके में डॉक्टर लाल लैब का उद्घाटन बहुत ही अच्छी बात है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि ये लोग क्वालिटी के साथ साथ लोगों की सेवा कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर सुदर्शन झा ने कहा कि अररिया में यूं तो पैथोलॉजी है, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास MD लेवल की डिग्री नहीं होती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, यदि उसका रिपोर्ट मरीज का रिपोर्ट उसे सही नहीं मिलेगा तो डॉक्टर चाह कर भी सही इलाज नहीं कर सकेगा। ऐसे में गुणवत्ता वाला लैब का होना बेहद जरूरी था। उन्होंने लैब के संचालक विकास मिश्रा को बधाई व शुभकामनाएं दी। डॉक्टर लाल लैब के कलेक्शन सेंटर के संचालक विकास मिश्रा ने बताया कि यहां 24 घंटे से 72 घंटे तक में हम लोगों को थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी बहुत सारी जांच की रिपोर्ट उपलब्ध करवा देंगे। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता अजय कुमार झा, डॉक्टर सुदर्शन झा, अजय कुमार झा उर्फ गुड्डू शंकर, डॉक्टर सीताराम झा, नजमुद्दीन आलम, प्रवीण झा, नवनीत झा, परमानंद मिश्रा, दयानंद मिश्रा, डॉक्टर BK मिश्रा आदि मौजूद थे। लाल पैथो लैब का ओपनिंग हुआ, उद्घाटन हुआ है। अररिया में अच्छे पैथोलॉजी की ज़रूरत है, कितना फ़ायदा होगा लोगों को? ये तो हमारे डॉक्टर साहब हैं ये बताएंगे, लेकिन मैं जितना जानता हूँ जो अररिया में ये अच्छा से काम करेगा ऐसा उम्मीद करता हूँ। लाल पैथोलॉजी रेड पैथोलॉजी का है, सैंपल कलेक्टर कलेक्शन का ये है, तो अररिया के लोगों को इसकी आवश्यकता है। डॉक्टर कितना भी इलाज करें, लेकिन उनको जब रिपोर्ट अच्छा मिलेगा, उनको मेडिसिन सही मिलेगा, तब तो जांच उसका जो है डायग्नोसिस सही होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, जो ये अररिया के लोगों के लिए अच्छा कदम है। धन्यवाद। उद्घाटन में आए हैं, लाल पैथो लैब का उद्घाटन हुआ है, आप तो खुद डॉक्टर हैं, जानते हैं अररिया में कितनी ज़रूरत थी इसकी। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित आज के बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी राष्ट्रीय परशुराम परिषद के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चढ़ जाइए माननीय श्री अजय झा जी, श्री शंकर ठाकुर जी, गुड्डू बाबू जी एवं अन्य गण्यमान लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जहाँ तक आपका सवाल का प्रश्न है, ये बहुत ही वाजिब और यहाँ की मूलभूत समस्याओं से जुड़ी हुई समस्या ये सवाल है। हमारा जिला मुख्यालय में एक भी पैथोलॉजिस्ट नहीं है। जो लोग भी हैं वो सो कॉल्ड पैथोलॉजिस्ट हैं, मतलब वो जांच तो करते हैं पर उनके पास MD पैथोलॉजी की डिग्रियाँ नहीं हैं, इसलिए उन लोगों के जांच पर हम लोग 100% एतवार नहीं करते। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इलाज तभी बेहतर कर पाएंगे जब हमें सही और प्रॉपर डायग्नोस्टिक जांचें जो है वो उपलब्ध हो सकेगा। इस हालात में आज शिवपुरी वार्ड नंबर 9 में डॉक्टर लाल पैथ लैब पथराइज कलेक्शन सेंटर का जो शुभारम्भ हुआ है, इसके लिए मैं इसके प्रोपराइटर और मेरा बहुत ही अजीज विकास मिश्रा को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके कालांतर में और वो ऊंचाइयों तक जाए इसकी मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, मैं विश्वस्त हूँ कि इससे अररिया जिले वासियों को जरूर कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलेगा। और जहाँ तक डॉक्टर लाल पैथ लैब का सवाल है, ये ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी इसके रिपोर्ट पर प्रश्न नहीं उठता है, इसको माना जाता है, हर जगह ये वैलिड है। मैं खुद इसको लेकर कई बार अपोलोज में गया हूँ, मेदांताज में गया हूँ और भी कई एक अस्पतालों में गया हूँ, वहाँ और जगहों के रिपोर्ट्स को वो लोग कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। पर अगर लाल का रिपोर्ट PGI चंडीगढ़ में खुद अपने साले को लेकर गया था,
लेकिन वो बोलते हैं कि आप डॉक्टर लाल का जांच करा कर लीजिए। इसका मतलब इसकी ऑथेंटिसिटी है, तो जिसकी ऑथेंटिसिटी है उसका काम बेहतर होगा, काम बेहतर होगा, हमें बेहतर। पैथोलॉजी को स्टार्ट किया आपने यहाँ पे, क्या क्या सुविधाएं देंगे आप लोगों को? देखिए अररिया में हमारा थायराइड का पेशेंट, लिवर सिरोसिस का पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट, ये सब ज़्यादा हो रहा है जी। और अररिया में एम डी के एक भी नहीं था, तो हमने सोचा डॉक्टर लाल पैथ लैब्स का फ्रेंचाइजी सी सी कलेक्शन सेंटर ले लें और अररिया को बेहतर सुविधा प्रोवाइड करें। और यहाँ पे जांच सही मिलेगा तो डॉक्टर ट्रीटमेंट भी सही करेंगे और मेरा अथक प्रयास रहेगा, 100% जेन्युइन काम होगा और कहीं बार्गेनिंग का कोई काम नहीं है। किसी को भी कोई समस्या हो लाल पैथ से वो हमसे डायरेक्ट मिल जाए। तो इसका जांच का रिपोर्ट यहीं पे मिल जाएगा या फिर? इसका जांच का रिपोर्ट हमारे यहाँ 24 घंटा में डिलीवर हो जाएगा, जैसे पेशेंट आज कलेक्शन दिया कल शाम तक उसको रिपोर्ट डिलीवर हो जाएगा। और कुछ कुछ रिपोर्ट ऐसा है कि जिसमें 72 घंटा भी लगता है, तो वो अपडेट हम अगले को देते रहेंगे। और लाल पैथ लैब एक ऐसी कंपनी है कि पेशेंट का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना पड़ता है और पेशेंट को बाय कंपनी फ़ोन आता है कि आपका रिपोर्ट कंप्लीट हो गया है या फिर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो भी इंफॉर्मेशन कंपनी देती है और कंपनी इसकी पेशेंट की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। थायराइड वगैरह का टेस्ट यहाँ पर होगा और रिपोर्ट कब तक मिल जाता है? थायराइड का रिपोर्ट हमारे यहाँ 24 घंटे के अंदर डिलीवर होगा। थायराइड, LFT, KFT, लिक्विड प्रोफाइल, HbA1c, सेम डे। नाम परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार मिश्रा हुआ और नालंदा डायग्नोस्टिक सेंटर का मैं प्रोपराइटर हूँ और मेरा जांच घर जो है वो डॉक्टर सुदर्शन झा के यहाँ चल रहा है और करीब हम 2009 से लेबोरेटरी का सेवा दे रहे हैं।